नमस्कार, मैं शालिनी झा। एक खबर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के छावला में हनुमान मंदिर को लेकर लोगों ने अलग अंदाज में प्रोटेस्ट किया। करीब 50 साल पुराने मंदिर को टूटने की सूचना जब लोगों तक पहुंची तो गांव के बुजुर्गों के साथ साथ लोगों ने मंदिर के आगे हाथ जोड़कर और हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि जब यहाँ मंदिर नहीं था तब यहाँ लगातार आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे, जिसके बाद कई गांवों के लोगों ने मिलकर यहाँ मंदिर बनाया, जिसके बाद अब एक्सीडेंट नहीं होते। इस मंदिर की वजह से यहाँ रहने वाले हजारों बंदरों का पेट भरता है। दिल्ली NCR के कई श्रद्धालु भी आते हैं। अगर मंदिर टूट गया तो हजारों बंदर गाँव में घुस जाएंगे और फिर लोगों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। ये मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया है और ये पूरे दिल्ली देहात, जो नजफगढ़ दिल्ली देहात क्षेत्र है, इस पूरे दिल्ली देहात क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। साथ ही साथ हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है उसका जितना देहात क्षेत्र है वहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र है और इस मंदिर के ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा है, विश्वास है और इस मंदिर को हम किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रकार की क्षति यदि कोई करता तो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, इस मंदिर को तोड़ने की वजह क्या है, किस कारण से मंदिर तोड़ना चाह रही है सरकार? यदि वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है तो मंदिर को क्यों तोड़ना पड़ रहा है? दूसरी बात ये कि इस मंदिर से जुड़े हुए हजारों हजार वानर हैं यहाँ पर, जो प्रतिदिन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर पड़ते हैं, तो वो वानर कहाँ जाएंगे, वो हजारों वानर कहाँ जाएंगे? वो तो या तो भूख से मरेंगे या फिर वो आसपास के गांव में घुसेंगे, फिर वहाँ गदर करेंगे, तब फिर इस चीज़ की जिम्मेवारी कौन लेगा? यदि उन वानरों को कुछ हुआ, उनका जीवन गया या उन्होंने आसपास के गांव में घुस करके आतंक मचा दिया तो फिर उसकी गारंटी कौन लेगा? मेरा नाम विशाल है, मैं छावला गाँव का निवासी हूँ। मंदिर से ट्रैफिक का जो इशू था वो अब नहीं, छोटा पुल था तो उसकी वजह से मानते हैं, लेकिन मंदिर की वजह से नहीं था, वो गलत डाइवर्शन था जिसकी वजह से वो ट्रैफिक लगता था और वहाँ पे ट्रैफिक कर्मचारी भी खड़े होते हैं रोड खुलवाने के लिए और हमारे जो गांव के जो वॉलंटियर हैं वो भी वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन सरकार ने जो बड़ा पुल बना दिया है, क्यों नहीं उसको स्टार्ट कर दिया है, क्यों उसका डाइवर्शन नहीं दी? सरकार ने पुल तो बना दिया है लेकिन पुल का एंट्री और एग्जिट वो तो प्रॉपरली बनाया नहीं है, ना वहाँ से चढ़ने का रास्ता बनाया है ना उतरने का। अगर उन दोनों पे विचार करे सरकार, वहाँ जो पेड़ हैं उनको काटा जाए, फ्लड डिपार्टमेंट को काटे, तो शायद इस पुल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये पुल करीब 50-60 साल पुराना है और मंदिर इतना पुराना है, वैसे उसकी इतनी दर्दर हालत हो चुकी है उस पुल की, तो वहाँ पर तो यातायात का आना जाना ही इतना गलत है, तो नए पुल को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार सब सो रही है, उनको सिर्फ एक मंदिर दिखाई देता है, इस मंदिर को तोड़ दो, मंदिर को हम नहीं टूटने देंगे, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और बेशक से हमें अपनी जान भी देनी पड़े लेकिन हम मंदिर को नहीं टूटने देंगे। राज सिंह छावला, इस मंदिर के विषय में कब हम DM साहब से, SDM महोदया से मिले, उन्होंने कहा ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम का कारण ये मंदिर नहीं है, ट्रैफिक जाम का कारण है जो नया पुल बना है, 5-6 पेड़ हैं उनको काट के सीधा रास्ता बना दिया जाए, नहर की पटड़ी से जो रावता तक का ट्रैफिक आता है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की बहुत आवश्यकता है, ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाए ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो, ना कि मंदिर कारण नहीं है। और ये रोड जो है ये तो बंद होने वाली है, ये डैमेज है, हार्मफुल है, ये तो जब नया पुल बन गया तो ट्रैफिक वहाँ से किया जाए, ये तो रोड बंद कर दी जाए। मेरा नाम छोटू राम है, गांव छावला। इस मंदिर के लिए जो बोला जा रहा है तोड़ने के लिए, ये मंदिर 50 साल से बना हुआ है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जो आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं और इसको ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है, तो इसको मेहरबानी करके जैसे का तैसा रखा जाए, धन्यवाद। ये बहुत पुराना मंदिर है, 50-60 साल पुराना मंदिर है, पूरा NCR की इस पर आस्था है और यहाँ पूरे पूजा करने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। छावला गांव मेन इसमें वो कर रहा है और इसका विज्वासन है, बड़तल है, यहाँ NCR के अभी भी आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, एक छावला नहीं है, इसको ना तोड़ा जाए, इसको जो का त्यों रखा जाए और यहाँ कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। दूसरा रोड साइड में बन चुका है, ये खाली पड़ा रहेगा, ये बंदर खाम का एक जिद है गवर्नमेंट की, इसको बंद किया जाए और जो का तो रखा जाए, ये पूरे NCR की वो है विनती है। और आसपास के गांव
बड़थल, दूड़सरस, बामडोली, बिजवासन, बजगेड़ा जो भी इतला मिली, एक एक दो दो आदमी आ गए। अगर ये मंदिर को सरकार तोड़ेगी तो आज ये इस आसपास के गांव के एक एक दो दो आए हैं वो तो भारी संख्या में बिजवासन तक पंचायत हो जाएगी। इसको इस मंदिर को जो हमें सुनने में आया है कि इस रोड पर, इस पुल पर जाम लगता है, जबकि नया पुल बन चुका है सामने, आप उधर देख लो, सामने से उधर 4-5 पेड़ हटाने हैं, उधर से सीधा हो जाएगा, ट्रैफिक जाम का मतलब ही नहीं है। और जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि वहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाए, इजी, तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पता नहीं किस कांड तोड़ा जा रहा है, डबल लाइन का वो बना हुआ है। आज तो हम ये एक एक दो दो कुछ ही लोग हैं गाँव के आसपास के, तो भारी संख्या में लोग होंगे यहाँ पर, ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं। ये मंदिर 45-50 साल पुराना है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और हम जाते ही बच जाए, इसलिए हम लोगों का ये प्रोत्साहन है कि भी इसको तोड़ा ना जाए, इस पर किसी चीज़ की बाधा भी नहीं है। और पुराना मंदिर, इसमें सारे दिल्ली के गांवों की, हरियाणा वालों की आस्था है इसके अंदर, इसलिए इसको बचाया जाए। रास्ता नया पुल बन गया है, उस पर से ट्रैफिक आना जाना शुरू करे, जो बाधा उस रास्ते में जो बाधा रहे उस बाधा को मिटाए, इसको न तोड़े। नया पुल बन गया है जबकि पुराने पुल को डैमेज बता रहे हैं कि डैमेज हो गया है, तभी तो नया पुल बना। और उसके सामने एक दीवार है और वो पेड़ हैं, उनकी कटाई नहीं कर रहे, और किसी ने लिख के दे दिया अपने तरफ से, कह रहे गवर्नमेंट अगर ये मंदिर है, जबकि रोड से भी पुल से भी 10 फीट अंदर है, ये इसमें है ही नहीं, ट्रैफिक जाम कभी नहीं होता, खाली मंगलवार को एक पूजा होती है, उससे पता नहीं गवर्नमेंट को क्या चिड़ है। ये कम से कम 50 साल पुराना मंदिर है, मंदिर भी तब बना था, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते थे, पहले कई मौतें हो चुकी हैं। अगर नहीं होता FIR की कॉपी ले ले, नजफगढ़ थाना था पुराना, उससे ले ले कॉपी, और पता लग जाएगा कितने एक्सीडेंट हुए हैं। और जिस दिन से मंदिर बना है 50 साल हो गए, कोई एक एक्सीडेंट के किसी का भी मामूली खरोंच नहीं आई है, इसी आस्था के लिए बनाया था, अदरवाइज पहले वो नहीं था, और एक्सीडेंट की वजह से मंदिर बना है। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 चैनल, एक खबर।